आज ना मैं बात करूंगी फिलॉसफी की, ना सक्सेस की, ना लीडरशिप स्ट्रेटजीज की, आज मैं बात करूंगी दिल की और इस दिल से जुड़े दर्द की जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। वही दिल जिसके ना टूटने की आवाज होती है, ना टूटा दिल दिखाई देता है, मगर वो दर्द हमें किसी काम का नहीं छोड़ता। अगर आप भी एक हाथ में बिखरे अरमान और दूसरे में बेमकसद सी जिंदगी लिए जी रहे हैं तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि और ये है 5 मिनट का किताबी ज्ञान। इधर दिल टूटा नहीं कि उधर हमारी सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाती है। जो हुआ मेरी वजह से हुआ, मुझे अपने पार्टनर की बात सुन लेनी चाहिए थी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई शुड हैव टेकन अ डिसीजन इन टाइम। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। ये फीडबैक लूप ना सिर्फ हमारे दिल और दिमाग बल्कि हमारी बॉडी को भी बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो आपको इसी नेगेटिव फीडबैक लूप से बाहर निकालने के लिए और टूटे दिल के मरीजों की हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आज के एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ गाय विंच की किताब जिसका नाम है हाउ टू फिक्स अ ब्रोकन हार्ट। गाय विंच न्यूयॉर्क में रह रहे एक प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास दिल के मरीजों की लाइन लगी रहती है। इनकी टेड टॉक व्हाई वी ऑल नीड टू प्रैक्टिस इमोशनल फर्स्ट एड हैज बीन व्यूड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। तो कहने का मतलब है कि इस स्पेस में ये एक ट्रस्टेड अथॉरिटी है टू गिव अस एडवाइस। अब ऑथर का मानना है कि कोई इंसान कितना भी पत्थर दिल हो, एक ना एक बार उसका दिल जरूर टूटता है और उस तकलीफ से बाहर निकलने में टाइम लगता है। ऐसे में फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ जरूरत है उस सोसाइटी के सपोर्ट की जिसमें हम रहते हैं। आमतौर पर अगर किसी का डिवोर्स हो जाए या किसी के पार्टनर की डेथ हो जाए तो सोसाइटी बहुत सपोर्ट दिखाती है। वहीं अगर किसी का अनऑफिशियल पार्टनर चला जाए तो ये सपोर्ट ना के बराबर होती है। एक्चुअली हमारा ब्रेन और हमारे इमोशंस इस तरह वायर्ड हैं कि अगर हमें सोशल रिकॉग्निशन ना मिले तो हीलिंग प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन सोसाइटी से बात करना तो दूर, हम तो ब्रेकअप के बारे में अपनी फैमिली मेंबर से भी डिस्कस नहीं करते हैं। ऐसे में ले देकर बचते हैं हमारे फ्रेंड्स। अच्छा, वो फ्रेंड्स भी शुरू शुरू में सपोर्ट करते हैं लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन तक सल्क करें तो वो भी इरिटेट होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको समझ नहीं रहे हैं एंड यू स्टार्ट जजिंग देम, यू स्टार्ट थिंकिंग दैट दे आर इनसेंसिटिव। तो जिन फैमिली और जिन फ्रेंड्स की ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा होती है आप उनसे भी झगड़ा कर लेते हैं और जो एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास था वो भी खो देते हैं। सिचुएशन से बाहर ना निकल पाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे एक्स पार्टनर हमें ब्रेकअप का जो भी रीज़न देते हैं हम उसे बिलीव नहीं करते, बल्कि एसीपी प्रद्युमन की तरह पास्ट में जाके एक एक एपिसोड, एक एक इंस्टेंस को याद करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई और फिर हमारे दिमाग के हिसाब से जो एक रीज़न सही लगता है उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसे नेगेटिव कॉग्निशन कहते हैं, मतलब कि वो डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, वो इनएक्यूरेट थॉट्स जिनका कोई बेसिस ही नहीं है, पर क्योंकि आप खुद ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इसलिए आप उन्हें सच मानने लगते हैं। एज अ रिजल्ट यू फील डेवस्टेटेड, लो ऑन एनर्जी एंड एम्बिशनलेस। अब ऐसे में दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद में आप खुद को बर्बाद कर लीजिए या फिर जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपका सपोर्ट करें या ना करें, पर भाई दिल आपका टूटा है, आप ही को फिक्स करना पड़ेगा। ऐसे में ऑथर का कहना है कि सबसे पहला स्टेप जो हमको लेना है दैट इज़ टू मूव ऑन फ्रॉम प्रीवियस मेमोरीज। कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमे थे, क्या क्या यादें हैं, उन सब से मूव ऑन करने की कोशिश करनी होगी। अब बहुत से लोगों का मानना है कि अगर मैं ऐसे करूँगा या करूँगी तो देन आई विल बी डिसलॉयल, लेकिन रिश्ता बचा कहाँ है लॉयल्टी दिखाने के लिए। दूसरी बात, अपने पर थोड़ा सा तरस खाइए। बात बात पर यह सोचने के बजाय कि मेरी क्या गलती थी, ये सोचिए कि आपने अपने पार्टनर के लिए क्या नहीं किया। बल्कि मैं तो कहती हूँ ब्रेकअप हुआ, अच्छा हुआ। यूजुअली रिलेशनशिप में ना हम आई और मी से निकल के वी और अस ऐसी बातें करने लगते हैं एंड मेनी अ टाइम्स वी डोंट डू थिंग्स दैट वी वांट टू डू। ये ब्रेकअप एक ऐसा टाइम है विच इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। जाइए, वो सब कीजिए जो अभी तक आपने होल्ड पर डाल रखा था। हाँ, अगर ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए आपको मेरी कोई पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मैं कहूँगी एक्शन ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी मूवमेंट में रहेगी उतनी जल्दी आप ब्रेकअप के ट्रॉमा से बाहर आएंगे। तो अगर आपको पुरानी यादों में जाना ही है भाई, रोना ही है, तो चलते चलते रोइए ना एंड देन सी द मैजिक हैपन। गाय विंच ने अपनी किताब में मेडिकल रिसर्च, MRI स्कैन्स और इमोशनल पैटर्न्स को एनालाइज कर ये साबित करने की कोशिश करी है कि दिल का टूटना इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और अगर हमने इसे प्रॉपरली डील नहीं किया तो हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ साथ हमारी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा लेवल पर इफेक्ट हो सकती है। इन सम केसेज इट कैन इवन लीड टू अ हार्ट अटैक। तो अगर आप आज भी अपने टूटे दिल को लिए बैठे हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू गेट बैक टू लाइफ। ऑलराइट, डिटेल्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा कि ब्रेकअप से डील करने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक
हर बुरे नतीजे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।